Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will be solving some NCERT questions on the topic derivatives of inverse trigonometry functions. Last video में हमने derivatives of inverse trigonometry का प्रोसेस पढ़ा था कि कैसे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते हैं. कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़े थे, स्टैंडर्ड फार्मूलाज जो यूज होते हैं, वो फार्मूलाज और बाकी सारे इस चैप्टर के फार्मूलाज की मैंने एक लिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. सो इन केस यू वॉन्ट टू चेक इट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. अब हम ये स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ. जस्ट बिफोर स्टार्टिंग, मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताना चाहूंगी ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे. तो यही फॉर्मूलाज आई होप आपको रिमेम्बर होंगे ही, बट अगर रिमेम्बर नहीं है तो मैंने ये नोट डाउन कर दिया है. एंड यही फॉर्मूलाज का यूज होगा हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में डेरिवेटिव्स निकालने का. जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज निकाले उसका तो यूज होगा ही, लेकिन अगर मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जब हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो वी यूज टू बेसिकली अवॉइड द चेन रूल. हम चेन रूल जो होता है, हमने चेन रूल पढ़ा था और बेसिकली अगर हमें कोई भी आपको जब चेन रूल हमने पढ़ा था आपने देखा ही था कि कैसे यूज करते हैं, वो बहुत एफिशिएंट मैनर होता है. लेकिन जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का केस आता है, अगर हम चेन रूल का यूज कर सकते हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि चेन रूल का यूज नहीं होगा, यूज हो सकता है, लेकिन वो जो चेन रूल होता है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बन जाता है इस मेथड में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के लिए. तो हमेशा याद रखना टू अवॉइड चेन रूल, चेन रूल को यूज करना अवॉइड करना. और उसके जो मोस्ट एफिशिएंट वे होता है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज करने का, वो बेसिकली वे होता है हमारा सब्सटीट्यूशन का. क्या यूज होता है? सब्सटीट्यूशन का. सब्सटीट्यूशन का मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो में कि सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, और बेसिक सब्सटीट्यूशन के मेथड्स भी एक्सप्लेन कर दिए थे. इन केस आपको कुछ भी डाउट है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि इधर समझ नहीं आएगा. इधर भी मैं सब्सटीट्यूशन के तरीके हर एक क्वेश्चन में बताऊंगी कि कैसे हमें क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टू एट क्वेश्चंस जो थे वो हमारे इम्प्लिसिट फंक्शंस के थे जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में कवर करवा दिया था. तो पहला हमारा 9th क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो हम इससे स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. हमें इसका निकालना है dy बाय dx. तो अब ऐसा नहीं है, अब आप इधर क्वेश्चन को देखो, अब इधर क्वेश्चन को देखो तो आप दे सकते हो कि अगर हमें चेन रूल अप्लाई करना हो तो कुछ मुश्किल नहीं है. चेन रूल अप्लाई करने के लिए क्या करना है हमें? साइन इनवर्स का तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता ही है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हम वो पुट कर देंगे, देन उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जो उसके अंदर हमें वैल्यू गिवन है, जो एक्सप्रेशन गिवन है. लेकिन जरूरी नहीं कि एक्सप्रेशन हर क्वेश्चन में ईजी गिवन हो, ऐसा नहीं है. तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाता है कि अगर आप इसमें पूरा डेरिवेटिव निकालोगे, पहले आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे, न्यूमिरेटर का डिनोमिनेटर का दोनों का अलग अलग सेपरेटली डेरिवेटिव, फिर उसका स्क्वायर, तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है. सो जो मैं सब्सटीट्यूशन वाला प्रोसीजर बता रही हूँ वो बहुत बेसिक प्रोसीजर है और बहुत ईजी है. बस अगर आपको समझ आ गया ना कि आपको एक्स की जगह क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी, क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा आपका. 2 मिनट भी थोड़ा ज्यादा ही, 1 मिनट में इवन सॉल्व हो जाएगा. तो हम करते हैं, अब ये जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लिखे थे, तो आप देखो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो आप देखो कि कोई फॉर्मूला इसके साथ मैच कर रहा है. अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा के इस वैल्यू के साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा है, 2 tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. बस क्या है, x की जगह tan थीटा. तो आपको देख के समझ आ रहा है कि x की जगह हमें tan थीटा पुट करना है. और अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने कुछ स्टैंडर्ड आपको बताए थे सब्सटीट्यूशन वेज, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार. कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन के वेज बताए थे, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ऐसे 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हमेशा साइन थीटा को यूज करना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो तो tan थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो तो sec थीटा का. तो आप देख के भी बता सकते हो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan थीटा पुट करने, लेकिन हमेशा फंक्शंस को फॉर्मूलाज को देख के याद रखना कि कौन सा फॉर्मूला हमारा इजीली इसमें पुट हो जाएगा. तो अब हम पुट करते हैं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो कर दो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा.
तो ये क्या है आइडेंटिटी, ये है साइन, ये है साइन टू थीटा की आइडेंटिटी। तो पुट कर दो, एग्जैक्टली पुट कर दो साइन टू थीटा, पुट कर दिया। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन कट कैंसिल हो कट जाएगा, तो y की वैल्यू टू थीटा आई। अब आपको पता है कि dy बाय डी एक्स निकालना है, मतलब आपका y का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, नॉट थीटा। तो अब आपको थीटा को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा x के एक्सप्रेशन में। तो यहां पे हमने सब्सटीट्यूट किया था x को tan थीटा, तो इससे देखिए पता चल जाएगा थीटा की वैल्यू आई tan इनवर्स x। तो पुट कर दो इधर, तो क्या आया 2 tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट ले लो, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 2 अपॉन tan इनवर्स x का हमें पता ही है क्या होता है, वो होता है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है उसका डेरिवेटिव। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। देखो कितना इजी है, तीन स्टेप्स का हार्डली यूज हुआ है, बस हमें पता होना चाहिए कि हमें x की जगह क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। अब हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और आपको फाइंड करना है क्या dy बाय dx। तो अब देखो अब आपको पता चल गया होगा, देख के पता चल रहा है कि ये tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो सिंपली x की जगह tan थीटा पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो क्या आया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो लिख दो डायरेक्ट इसकी जगह tan 3 थीटा, तो क्या आया tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स और tan हमारा हट जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 थीटा। अब सिंपली थीटा नहीं चाहिए हमें, x की टर्म्स में चाहिए, तो x की जगह tan थीटा हुआ, तो थीटा की जगह क्या हुआ tan इनवर्स x। तो पुट कर दो 3 tan इनवर्स x, तो डिफ्रेंशिएट करो dy बाय dx, dy लिख देना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आ गई हमारी वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। y इज इक्वल टू cos इनवर्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देख के आपको क्या पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी पुट होगी यूज होगी, cos 2 थीटा की 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो x की जगह tan थीटा इसमें भी पुट होगा। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू tan थीटा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आइडेंटिटी थी cos 2 थीटा की, cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो अब क्या आया y की वैल्यू, cos और cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो सिंपली 2 tan इनवर्स x आ गया। अब तो याद हो ही गया होगा कैसे करना है, बेसिक स्टेप्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया हमारे 11th क्वेश्चन सॉल्व। अब आप देख रहे हो कितना इजी है, लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को ये इनवर्स ट्रिगोमेट्री का फंक्शन, ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इजीली हार्डली 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ समझ आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही सेम एक्सप्रेशन हमारा लास्ट क्वेश्चन में यूज हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस यहां कॉस इनवर्स था और यहां साइन इनवर्स है। तो जब भी एक्सप्रेशन हमारा सेम होता है तो सब्स्टिट्यूशन की मेथड वैल्यू भी सेम यूज होती है, तो सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग, लास्ट में हमने क्या यूज किया था नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में tan थीटा, तो x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो सिंपली, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या वैल्यू थी cos थीटा की, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखो लास्ट में हमने क्या किया था, कॉस और कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो गया था, इसमें नहीं हो सकता,
हम यहाँ पे अटक गए. अभी आगे सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है. दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए. या तो क्या करो, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर दो ताकि कॉस इनवर्स और कॉस क्या हट जाए, या कॉस को साइन में चेंज कर दो जो अंदर का एक्सप्रेशन है. तो दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा. तो मैं आपको पहले सेकेंड वाला तरीका बताती हूँ, फिर फर्स्ट वाला बताऊंगी कैसे करना है. तो आपको याद होगा, ये क्लास टेंथ का है, क्लास इलेवेंथ का नहीं, क्लास टेंथ का. क्लास टेंथ में हमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कॉस 2 थीटा को साइन किसी साइन में चेंज करना है, साइन के एक्सप्रेशन में. तो कॉस थीटा को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है. तो आपका क्या लगता है कि कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस 2 थीटा क्या होगा, किसके इक्वल होगा? साइन 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. इसकी साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा के कॉस 2 थीटा. तो ये पुट कर दो सिंपली, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. अब साइन इनवर्स और साइन हट गया तो क्या आया, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. अब पुट कर दो इसमें पाई बाय 2 माइनस 2 टैन इनवर्स x. इधर हमने जब पुट किया था सब्सिट्यूट, अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या आया, dy बाय dx. पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है तो जीरो ही होगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा. और माइनस 2 टैन इनवर्स x ही क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये आ गई आपकी वैल्यू. अगर आपको फर्स्ट मेथड का फॉलो करना होता, अभी जैसे मैंने कॉस को साइन में चेंज किया, अगर आप चाहते हो कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना, तो आपको पता होगा कि हमने इलेवंथ में जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी. क्या थी वो? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो अगर आपको साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना था तो आप सिंपली क्या करते, साइन इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब ये लिख देते. तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता, पाई बाय 2 तो रहता ही, और अभी भी जैसे पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है तो डिफ्रेंशिएट लेते हुए वो जीरो ही हो जाता, तो आपकी सेम वैल्यू आती. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्टीन है हमारे पास, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो आपको याद आ रहा है कुछ, हमने नाइन्थ क्वेश्चन जो सॉल्व किया था सेम एक्सप्रेशन था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो सिमिलरली जो मैंने आपको बताया एक्सप्रेशन सेम हो, नेवरतलेस डोंट थिंक कि साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टैन इनवर्स है, वट एवर, कुछ भी हो. अगर एक्सप्रेशन सेम है तो पुट द सेम वैल्यू इन सब्सटीट्यूशन. तो अगर आप इसमें टैन थीटा पुट करोगे, जब आप इसको टैन थीटा पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, यहां आएगी अंदर कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा का एक्सप्रेशन बन जाएगा. तो कुछ नहीं करना, जैसे हमने इसमें किया इसको पाई बाय 2 माइनस कॉस 2 थीटा लिख देना. करके दिखा देती हूं बेसिक जल्दी से. तो इसको क्या करना, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख देना. आपने क्या पुट किया है, एक्स को आपने टैन थीटा पुट किया, तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. तो क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस 2 टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा. तो आप पाई बाय 2 का करोगे तो जीरो आ जाएगा, और ये माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपकी आंसर आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करके. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब आपको इसमें dy बाय dx निकालना है. तो देखो अपने फॉर्मूलाज, कोई फॉर्मूला लग रहा है सेम, 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कहीं पे भी लग रहा है. अगर हम ये वाला 2 का यूज करें, यहां माइनस 1 है, माइनस 1 का तो कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं है. फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन देखो, फॉर्मूला हमारा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ सेम लग रहा है कि ये वैल्यू इससे आ जाएगी. अगर ये भी अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है. याद है मैंने आपको जब स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के बताए थे, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था जब हम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यूज करें तो हमेशा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x को साइन थीटा. तो आप ये लेके भी कर सकते हो. अगर आप साइन थीटा नहीं पुट करोगे, आप कॉस थीटा पुट करोगे तब भी चलेगा, नो इश्यूज. ठीक है, अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूं, एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा. ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा.
y is equal to sine inverse 2 sine theta. क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कॉस थीटा आ जाएगा. तो देखो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गई ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है साइन 2 थीटा. तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. अब साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू थी साइन, x की वैल्यू थी साइन थीटा. तो इसे x की टर्म्स में लिखना होगा तो क्या आएगा 2 साइन इनवर्स x. अब सिंपली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy by dx इज इक्वल टू 2, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है मैंने आपको स्टैंडर्ड में बताए थे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर आपको याद होगा ना तो बहुत ईजी हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये आ गया आपका आंसर, और वो कुछ स्टैंडर्ड जो मैंने आपको बताए 6 वो ही यूज होंगे, वही याद कर लो, मोर देन इनफ है. और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो पता ही होनी चाहिए, जो भी मैंने आपको दिखाई साइन टू थीटा कॉस टू थीटा और टैन थ्री थीटा के साथ, जो हमने बेसिक टाइन टेंथ में पढ़ी होगी वो तो पता ही होगी. तो बहुत इजीली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, ये हो गया 14th. अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15th. ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 15th क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है. तो ये थोड़ा एक्सप्रेशन अलग लग रहा है बाकी सबसे, तो हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज में आते हैं. कोई भी फॉर्मूला आपको लग रहा है 2x² - 1 के जैसा, कॉस टू थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेम x की जगह क्या पुट करना है कॉस थीटा, सिंपली डायरेक्ट करो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. पुट कर दो y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, y इज इक्वल टू sec इनवर्स, क्या है इसकी वैल्यू, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा ही. और अब आपको ये तो पता ही होगा कि हमने जब 10th में पढ़ा था, 9th 10th में जब हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करी थी पढ़नी, तो क्या पढ़ा था हमने कि cos थीटा जो होता है वो 1 अपॉन sec थीटा होता है. सिंपली सेम sec थीटा जो होता है वो हमारा 1 अपॉन cos थीटा होता है. तो sec 2 थीटा क्या हुआ, वो हुआ 1 अपॉन cos 2 थीटा. तो पुट कर दो y इज इक्वल टू sec इनवर्स sec 2 थीटा, sec इनवर्स और sec हट जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की जगह पुट कर दो cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x. आ गया हमारा एक्सप्रेशन, कितना सिंप्लीफाई हो गया एक्सप्रेशन हमारा यहां से यहां तक. अब डिफ्रेंशिएट कर दो dy by dx is equal to 2 minus, क्योंकि cos इनवर्स x का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. पुट कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व कर दिए हैं. इन केस आप प्रैक्टिस करते हो और क्वेश्चंस का फॉर रिवीजन, एंड यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. And for the formula list, I have already added the link to the description in case you want to check it. Okay, please don't forget to subscribe to the channel in case you haven't done it yet. And like this video. Thank you.